बहुजन क्रांति मोर्चा बामसेप एवं सभी सहयोगी संगठन तथा भारत मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगी संगठन, इनके द्वारा महामानव जीवन संदेश अभियान अंतर्गत 31 राज्यों के 562 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1,00,000 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये 1,00,000 कार्यक्रम के 1,000 सेंटर हम लोगों ने बनाए और 1,000 सेंटर के माध्यम से हम लोग 1,00,000 कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ये 1,00,000 कार्यक्रम सही में लेंगे क्या, तो उसका मैं थोड़ा फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया में जो 42 साल में हम लोगों ने काम किया, आज 31 राज्य 550 जिला 5,000 तहसील 22,000 ब्लॉक और करीबन 2,500 गांव में आज हमारा संगठन कार्यरत है। पहले अकेले वामन मेश्राम साहब देश भर में घूमते थे, संगठन खड़ा करते थे, मीटिंग लेते थे, प्रशिक्षण लेते थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते थे। आज 42 साल में बामसेप में हजारों लोग मीटिंग लेने वाले, बोलने वाले, भाषण देने वाले लोग तैयार हुए। ये जो 42 साल की जो मेहनत संगठन के द्वारा पूरे देश भर में हम लोगों ने कि उसका ये नतीजा है कि हर जाति समूह में लीडरशिप पैदा हुई। सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, फोर्थ लाइन लीडरशिप जो है संगठन ने खड़ी की और पूरे ऑल इंडिया से हम लोगों ने 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया और ये 10,000 लोगों के द्वारा हम 1,00,000 कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति अगर 10 कार्यक्रम भी लेता है तो 10,000 लोग 1,00,000 कार्यक्रम पूरे कर सकते हैं। यह अभियान हम लोगों ने 11 अप्रैल से शुरू किया और ये अभियान करीबन जुलाई महीने तक चलने वाला है, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब 2021 में हम लोग 1,00,000 कार्यक्रम ले रहे हैं और 2022 में 6,00,000 गांव में अभी ये सामूहिक जयंती महोत्सव हम लोग अगले साल मनाने वाले हैं 6,00,000 गांव में। और इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अभी से संगठन के द्वारा सेंट्रल से एक व्यक्ति को रिलीज किया गया जिनका नाम है डीआर ओल्स। इनकी जिम्मेदारी अभी संगठन के द्वारा लगाई गई है कि 2022 में 6,00,000 कार्यक्रम कैसे लिया जाए, इस पर अभी एक साल पहले से ही उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। साथियों, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती लोग मनाना चाहते हैं, सरकार मनाने देना नहीं चाहते। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सरकार नहीं मनाती है, जनता मनाती है। सरकार बाबा साहब अंबेडकर को भुलाना चाहती है, जनता भूलना नहीं चाहती। जनता गांधी को भूलना चाहती है, सरकार भुलाने नहीं देता, ये फर्क है। सरकार बाबा साहब को भुलाना चाहती है, जनता भूलती नहीं है, जयंती मनाती है, अब जो रुपया खर्चा करती है।
भारत की जनता गांधी जी को भूलना चाहती है, लेकिन सरकार भूलने नहीं देना चाहती। इसीलिए भारत सरकार 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पूरे देश भर में सरकार मनाती है। दूसरी बात, अगर हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य अगर मर जाए तो हम लोग उसकी जयंती नहीं मनाते, अपने बाप की जयंती हम लोग नहीं मनाते। महापुरुषों की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जिस महामानव की जयंती हम लोग मनाना चाहते हैं तो उस महामानव का मकसद, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उस मकसद को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर उस मकसद को अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो शायद जो कार्य हम लोग करना चाहते हैं वो कार्य हम लोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती देश भर में नहीं तो पूरे विश्व में मनाई जाती है। करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और खास करके भारत में जयंती मनाने का जो तरीका हमारे लोगों ने डेवलप किया वो तरीका क्या है, तो 14 अप्रैल आ गई कि कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, डीजे लगाते हैं और डीजे लगाने के बाद नाच गान होता है, जय 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 भीम हमारे लोग कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं। और अब जो रुपया खर्चा करते हैं जयंती के ऊपर, भोजन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, भोजन दान देते हैं उस दिन। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, जब आंकड़ा हम लोगों ने निकाला कि अगर 6 लाख गांव में अगर हमारे लोग जयंती अगर इस प्रकार से मनाते हैं तो अब जो रुपया खर्च होता है, मतलब हमारे लोग नाच गान के ऊपर, भोजन दान के ऊपर हमारे लोग अब जो रुपया खर्चा करते हैं, जयंती समाप्त होने के बाद हमारे लोग सो जाते हैं और फिर साल भर जगते नहीं हैं। फिर अगले साल जब 14 अप्रैल आती है उस वक्त फिर हमारे लोग जाग जाते हैं, फिर और जयंती मनाते हैं और सो जाते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा ने, हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि जो अबजों रुपया समाज का बेवजह जयंती के ऊपर खर्चा हो रहा है, अगर वो अबजों रुपया में से अगर 10% भी, हमने जब आंकड़ा निकाला तो करीबन 6 अब्ज रुपया जयंती के ऊपर, बाबा साहब के जयंती के ऊपर पूरे देश भर में खर्चा होता है, इसका आंकड़ा होता है 600 करोड़। अगर 600 करोड़ रुपया अगर हमारे लोग अगर जयंती के ऊपर अगर खर्चा करते हैं, अगर वो 10% भी अगर आंदोलन के ऊपर खर्चा किया तो हमारा आंदोलन समाज का बड़े तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कि हमारे महापुरुषों की जयंती किस प्रकार से हम लोगों ने मनानी चाहिए, उसका क्या पर्पज होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1 लाख कार्यक्रम हम लोगों ने लगाए। साथियों, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है भक्त और दूसरा है अनुयायी। हमारे महापुरुष हमारे समाज में अनुयायी पैदा करना चाहते थे, लेकिन हमारे समाज में अनुयायी कम और भक्त ज्यादा पैदा हुए। भक्तों का क्या काम है, भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना कि कोई आएगा
और हमारी समस्या को समाधान करेगा, तो ऐसी तीसरी शक्ति के ऊपर भक्त लोग जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कोई आएगा और मेरी समस्या का समाधान करेगा। इसीलिए भक्त दिन रात भक्ति करता रहता है, मुक्ति का मार्ग ढूंढते रहता है। तो ऐसे भक्त पैदा हुए, गांव देहात में पैदा हुए, जाति जाति में भक्त पैदा हुए। हमारे समाज में अनुयायियों की जरूरत है। अनुयायी किसे कहते हैं? महापुरुषों का अधूरा कार्य जो लोग पूरा करते हैं उसे अनुयायी कहते हैं। जयंती तो हर साल आती है और हर साल हमारे लोग जयंती मनाते हैं। अगर जयंती मनाना ही अगर ये हमारा पर्पज है, तो फिर हम लोग महापुरुषों का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उस मकसद को हम लोग पूरा नहीं कर सकते अगर हम लोग जयंती मनाते रहे। तो इसीलिए महापुरुषों के मकसद, जिस मकसद के लिए उन्होंने जिंदगी लगाई, वो मकसद हमारे समाज को समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है, ताकि जो अधूरा कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। साथियों, एक किस्सा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और बॉम्बे दादर के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण दिया। बाबा साहब जब निमंत्रण देने के लिए लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास में आए और बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, कार्यक्रम पत्रिका हम लोगों ने छाप दी है, उस कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन करने के लिए आना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे आलतू फालतू कार्यक्रमों में जाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। बोले, गधो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरी जयंती मना रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर के तीन गुरु थे, धार्मिक गुरु तथागत गौतम बुद्ध थे, आध्यात्मिक गुरु संत कबीर थे, सामाजिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी अपने तीन गुरुओं की जयंती नहीं मनाई, ना ही उनका कभी जय जयकार किया, कभी नहीं किया। तीन गुरु थे उनके जीवन के, लेकिन कभी उनका जय जयकार करने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को ये बात बताई कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आता, मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरी जयंती आप लोग मना रहे हो। लोगों ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, आखिरी बार आऊँगा, लेकिन इसके बाद में ऐसे कार्यक्रम आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। और उस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगाओ। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही। उसके बाद में जब 17 अगस्त 1952 में बॉम्बे में बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे दृष्टि से कुछ काम अभी भी अधूरे हैं, केवल मेरा नाम लेकर जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो काम महत्वपूर्ण है उसकी पूर्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। ये बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
17 अगस्त 1952 में ये बात कही और ये बात प्रकाशित हुई है। खंड नंबर 18 भाग 3 में और प्रकरण है 297 पेज नंबर 316-318। ये क्या है खंड? जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो छपकर गवर्नमेंट ने बाहर निकाले हैं उसमें वैल्यूम नंबर 18 में ये लिखा हुआ है, ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। जो बात बॉम्बे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कही वो राइटिंग एंड स्पीचेस में छपकर आई। छपकर आने के बाद ये बात बामसेब को पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जय जयकार करने के लिए मना की थी, लेकिन हमारे लोग जय जयकार करने में माहिर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, जय जयकार ही करते रहते हैं। और इसी बात को जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में कही इसी बात को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया और ये सब्जेक्ट अभी हम लोग 1,00,000 कार्यक्रम लेकर 1,00,000 जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब पूरे देश भर में 5,000 तहसील में यानी एक तहसील में हम लोगों ने 20 सेंटर बनाए। 5,000 × 20 सेंटर ये 1,00,000 कार्यक्रम होते हैं और 1,00,000 कार्यक्रम में ये सब्जेक्ट बनाकर हम लोग लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि जय जयकार मत करो, अधूरा कार्य पूरा करो। अब किसी भी व्यक्ति का अगर अधूरा कार्य अगर पूरा करना है तो क्या करना होगा? जब तक उस व्यक्ति के पूरे कार्य के बारे में अगर जानकारी ना हो तो क्या हम अधूरा कार्य पूरा कर सकते? नहीं कर सकते। जब तक पूरे कार्य के बारे में जानकारी ना हो क्या हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में जानकारी है? सवाल नंबर एक। तो 42 साल के रिसर्च में ये बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में हमारे समाज को मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो कौन सा अधूरा कार्य रहा ये कैसे मालूम होगा? भाषण देने से थोड़ी होगा, सिर्फ माइक पर बोलने से थोड़ी होगा कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, बाबा साहब ने कहा था। अरे भाई कौन सा अधूरा कार्य है? ये तो लोगों को समझाना पड़ेगा। ये तभी आप समझा सकते हो जब बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में आपको जानकारी हो। पूरा कार्य तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए लगाता है। क्या वो मकसद अभी तक पूरा हुआ? ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो पूरा काम आपको समझ में आएगा। फिर कौन सा काम बचा हुआ है इसके लिए हम लोग अपनी जिंदगी लगा सकते हैं। ये मामला है। जिस आदिवासियों को गिरिजन कहा जाता है, जिस ओबीसी को इस देश में पिछड़ा कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर उनको एक नई पहचान देना चाहते थे। और ये जो छुआछूत हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, इसको बाबा साहब अम्बेडकर खत्म करना चाहते थे। और ये कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने नंबर एक पर रखा था, अपने जीवन का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था कि मैं वर्ण व्यवस्था को खत्म करूँगा, जाति व्यवस्था को खत्म करूंगा। और जब अवसर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई और हजारों सालों का ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ एक लाइन में आर्टिकल 13 में खत्म कर दिया कि ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होगा जो हमारे समाज में विषमता फैलाए,
ऊंच नीचता का व्यवहार करे, ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने पर 26 जनवरी 1950 से पाबंदी लगाई जाती। आर्टिकल 13 में ये बात कही, जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उद्देश्य निर्धारित किया था कि मैं छुआछूत खत्म करूंगा, वर्ण व्यवस्था खत्म करूंगा। दूसरा उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का बनाया था और बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। ये प्रेरणा गुरुचंद ठाकुर से बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी। गुरुचंद ठाकुर जी ने क्या कहा था कि जिस समाज का होगा राजा वो समाज होगा ताजा, जिस समाज का होगा राजा वो समाज होगा ताजा। ये गुरुचंद ठाकुर जी से प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर ने ली और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। शासन करती जमात बनाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का दूसरा उद्देश्य था। क्या बन गए हम लोग? हमने कांग्रेस को शासन करती जमात बनाया, हमने बीजेपी को शासन करती जमात बनाया, हमने कम्युनिस्टों को शासन करती जमात बनाया, हमने टीएमसी को शासन करती जमात बनाया। इस बंगाल का अगर उदाहरण लिया जाए तो कांग्रेस ने 25 साल राज किया, कम्युनिस्टों ने 34 साल राज किया, टीएमसी ने 10 साल राज किया, और ये तीनों भी दल जो है इस देश में ब्राह्मणों के दल है। देश का अगर विचार किया जाए तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 19 साल राज किया, दो ही पार्टियों ने देश के ऊपर राज किया। अगर ये दो दलों का इतिहास देखा जाए तो इसके निर्माता और चलाने वाले लोग भी ब्राह्मण हैं। हरिचा गुरुचंद ठाकुर जी ने कहा कि जिस समाज का होगा राजा वो समाज होगा ताजा। आज ब्राह्मण को राजा आप लोगों ने बनाया, ब्राह्मण ताजा है, उसका विकास हो रहा है, उसके समाज का विकास हो रहा है। राजा बनाने की बात गुरुचंद ठाकुर जी ने हम लोगों को कही थी कि खुद राजा बनाओ, हमने कांग्रेस कम्युनिस्ट टीएमसी और बीजेपी को राजा बनाया। वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। हमने कांग्रेस को शासन करती जमात बनाई, हमने बीजेपी को शासन करती जमात बनाई। ये उद्देश्य था बाबा साहब अम्बेडकर का, उनके जीवन का। तीसरा उद्देश्य था बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा उद्देश्य निर्धारित किया था अपने जीवन का कि समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। और वो करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया उसकी बदौलत बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और हम लोगों को सेफगार्ड दिए, सुरक्षा दी और संविधानिक अधिकार हम लोगों को दिए। लेकिन शासक कोई और है, अधिकार हमारे लिए है, संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन देश चलाने वाले इंप्लीमेंट करने वाले लोग हमारे ना होने की वजह से ये सारा सत्यानाश इस देश में हुआ। ये तीन उद्देश्य थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर के तीन उद्देश्य थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्य अछूत, आदिवासियों का अलगीकरण, ये खत्म करना उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था शासन करती जमात बनाना और तीसरा उद्देश्य था समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन योजनाएं बनाई। ये तीन उद्देश्य को सफल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने योजना बनाई। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है
जो किसी भी काम को अपने जिंदगी का मकसद बनाता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो कार्य आप करना चाहते हो रिजल्ट चार चीजों से आता है कि जो कार्य आप करना चाहते हो सबसे पहले उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट से आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट से आपका परफॉर्मेंस डेवलप होगा और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। जो कार्य आप करना चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट। कोई भी अरे गहरा नत्तू गहरे अपने जीवन में सफल नहीं होता। सफल कौन होता है? जो अपने जिंदगी का मकसद निर्धारित करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सिर्फ अच्छा हेतु रखने से सही काम नहीं होता। प्लानिंग कन्वर्ट इनटू एक्शन, आपको प्लान बनाना होगा, एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हो कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, अच्छा हेतु है। लेकिन ये सफल कब होगा? जब आपने जो मकसद निर्धारित किया अगर उस पर आप अमल करोगे, प्लान बनाओगे और प्लान बनाकर अमल करोगे तो अपने उद्देश्य में सफल होगे। तो बाबा साहब ने उद्देश्य निर्धारित किया और सफल करने के लिए बाबा साहब ने तीन योजनाएं बनाई थी। उसमें पहली योजना थी सेपरेट इलेक्ट्रेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मिला हमको? नहीं मिला। दूसरी योजना थी बाबा साहब अंबेडकर की सेपरेट सेटलमेंट, हमारे लोगों का सेपरेट बंदोबस्त करना चाहते थे। अगर जिनके साथ अछूत का व्यवहार हो रहा है, मान लीजिए अगर वो समूह को एक जगह पर अगर रखा जाए तो क्या वो एक दूसरे के साथ अछूत का व्यवहार करेंगे क्या? अछूत ही अछूत के साथ व्यवहार कैसे करेगा? एक अछूत दूसरे अछूत के साथ अछूत का व्यवहार कैसे करेगा?